दोस्तों, क्या आप भी PFMS पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं? लॉगिन होते समय आपको यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड शो हो रहा है? यदि हाँ, तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन सॉल्यूशन जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से लॉगिन हो सकते हैं, चाहे आप मोबाइल के जरिए लॉगिन हो रहे हों या PC या लैपटॉप से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं SD ऑनलाइन शाला। तो यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी लॉगिन पेज पर हूँ। अब यहाँ पे चलिए, मेरा यूजर नेम तो है, पासवर्ड भी फिल कर लेता हूँ। ये दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड फिल कर लिया है। अब चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लॉगिन का बटन है जिस पे आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तभी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड शो होता है। तो इसके बजाय आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे मोबाइल के कीबोर्ड में जो एरो का निशान है, यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करना है, या फिर आपको गो का बटन मिलेगा इस प्रकार से, इस पे क्लिक करना है, तभी आप इसमें लॉगिन हो सकेंगे। और यदि आप लैपटॉप PC यूज़ कर रहे हैं तो आपको लॉगिन के बजाय इंटर बटन का यूज़ करना है, तब आप बड़ी आसानी से लॉगिन हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं लॉगिन के बजाय यहाँ गो बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, या फिर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे जो एरो का निशान है इस पे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप भी लॉगिन बटन को न दबा करके एरो, गो या इंटर बटन का उपयोग करके बड़ी आसानी से लॉगिन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।